नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत करता हूं। आप सभी से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ओवैसी जी की पार्टी AIIM कानपुर ने एक पोस्टर लगाया हुआ है काफ़ी जगहों पे, और उस पोस्टर के मुताबिक गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। और दोस्तों, ये पोस्टर लगाया गया है यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जो कि दासना एक पुजारी हैं, और दूसरा है वसीम रिजवी, जो कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। वसीम रिजवी पे इसलिए लगा है क्योंकि उन्होंने 26 आयतें कुरान की, जो कि एक काफिर के खिलाफ हिंसा करने को प्रेरित करती हैं, उसको वो हटाना चाहते थे कुरान से। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, मेरा एक सवाल है, क्या हम एक इस्लामिक देश में रह रहे हैं? क्या हम एक आज से 600 साल पुराना या फिर 800 साल पुराना देश में रह रहे हैं, जहाँ पे कि सब कुछ शरिया के हिसाब से चलेगा? या फिर हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे कि एक संविधान है, जहाँ पे कुछ कानून है और उसके हिसाब से चलेगा? ठीक है, तो दोस्तों अगर इसी चीज़ को हम आगे भी लेके जाएं, ठीक है, तो ये जो सर तन से जुदा है करने की जो बात है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये एक लंबे समय से चलती आ रही है। लेकिन मेरा सवाल है, क्या ये हिंदुस्तान में किया जा सकता है? अगर ये इस तरह से जगह जगह पर पोस्टर लगे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, ठीक है, इस दो व्यक्तियों का सर काटने के लिए, तो मेरा एक सवाल है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे इस देश में पुलिस है, कानून है, कोर्ट्स हैं, वो इस पे क्या कर रही हैं? कुछ जगहों पे FIR हुआ है, FIR के बाद क्या हुआ है? अगर FIR के बाद आगे कुछ नहीं होगा तो आगे जाके क्या होगा? हो सकता है कि जिस तरह से कमलेश तिवारी या फिर फ्रांस में सैमुअल पैटी या फिर चार्ली हेब्डो, ठीक है, या फिर सलमान तसीर, जो कि पंजाब के गवर्नर थे पाकिस्तान में, जिस तरह से उनकी हत्याएं कर दी गई, वो इन दो व्यक्तियों के साथ भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक काफ़ी एक सोचने वाली बात है, जब इस तरह से जिहादी कॉल दी जाएगी, इस तरह से हत्याएं होंगी, और अगर पुलिस प्रशासन या फिर कोर्ट न्यायालय कुछ नहीं करेंगे, तो जो दूसरा पक्ष है उसका क्या रवैया रहेगा? ठीक है, अगर दूसरे पक्ष को कहीं से न्याय नहीं मिलता है, जिस तरह से कमलेश तिवारी को मार दिया गया, अगर इसी तरह से नरसिम्हानंद सरस्वती को मार दिया जाएगा, तो मेरा सिंपल सा सवाल है कि प्रशासन तो कुछ नहीं कर रहा है, तो एक दूसरा पक्ष भी है, तो वो क्या करेगा? ठीक है, तो मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि सर तन से जुदा ये सारी चीज़ें एक लोकतंत्र में नहीं चल सकती हैं, और अगर ये चल रही हैं तो एक रेसिपी है डिज़ास्टर के लिए। और अगर आप कहें कि एक आंख के बदले दूसरी आंख ले ली जाती है, तो उसे पूरा पूरा जो विश्व है अंधा हो जाएगा, तो हम उस तरफ ही जा रहे हैं। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। कैसे रोका जाएगा इसको? शासन प्रशासन कोर्ट न्यायालय को प्रोएक्टिवली होकर काम करना पड़ेगा। इस केस में भी अगर यदि नरसिम्हानंद सरस्वती की हत्या कर दी जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम एक कम्युनल राइट की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रशासन को इस चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक तरफ से अगर रेडिकलाइजेशन होगा, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दूसरे तरफ से रेडिकलाइजेशन नहीं होगा। तो दोस्तों, बस मैं यही अपनी बात आप सब तक समझा रखना चाहता था, और आगे तो बस मैं यही कहूँगा कि चीज़ें अच्छाई की तरफ जाए तो अच्छा है। और दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।